आज हमारे पास है यमाहा की FZ25। तो यमाहा की लोकल में सबसे आने वाली सबसे पावरफुल बाइक ही है। मैं उसमें R1, R2 और R3 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकल की, जैसे कि हमारी R15 हो गई और FZS हो गई। तो लोकल में सबसे पावरफुल बाइक है, 250 cc की ये बाइक है। तो आज इसका एक डिटेल रिव्यू करेंगे, देखेंगे पहले से कुछ प्राइस में चेंजेस हुए, टेक्निकली इसमें कुछ चेंजेस हुए या नहीं, तो इन सब की आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर इसके प्राइस की, तो एक शोरूम प्राइस जो है वो यमाहा FZ25 का 1,49,800 के अप्रॉक्स है। और बात करें ऑन रोड प्राइस की इन औरंगाबाद, मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कहता हूँ कि जो ऑन रोड प्राइस है वो स्टेट वाइज इवन शोरूम वाइज भी चेंज होती रहती है। तो अभी सिर्फ बात करें अगर सोहम एटो की, सोहम यमाहा की, तो सोहम यमाहा में आपको ये बाइक जो है वो 1,82,700 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो बात करें अगर फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको वही, ये कलर की बात करें तो ये मेटेलिक ब्लैक कलर हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो इसमें अभी आपको ये मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी ऊपर, और यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऑल सेटअप जो है वो LED देखने को मिल जाएगा, हेडलाइट सेटअप। यहाँ पे DRL आपको मिल जाएगा, LED प्रोजेक्टर, हेडलैम्प आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर में जो है आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा। अभी बात करें फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट सस्पेंशन में जो है वो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें फ्रंट टायर साइड साइज की, तो 100x80 सेक्शन का आपको टायर देखने को मिल जाएगा, मीन्स 17 इंच का आपको ट्यूबलेस अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा यमाहा FZ25 में। और बात करें अगर फ्रंट ब्रेक की, तो फ्रंट ब्रेक में जो है वो आपको 283 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा विथ ABS। पहले ही मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये बाइक जो है वो डुअल चैनल ABS में आएगी। ऑफ कोर्स ये 250 cc की बाइक होने की वजह से डुअल चैनल ABS में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको यमाहा की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे जो ABS है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, तो उसकी बैचिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बाइक का जो नेम है FZ25 उसकी बैचिंग देखने को मिल जाएगी। ये ऑल जो कलर है वो मैट फिनिश में आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी। और मुझको भी पर्सनल ओपिनियन दूँ तो यही कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर बात करें इसके इंजन की, तो आपको इसमें जो है वो 249 cc का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, बेसिक्स मॉडल ही है। अगर बात करें मैक्सिमम पावर की, तो 20.51 bhp एट 8000 rpm पे। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, तो आपको जो है वो 20.1 Nm एट 6000 rpm के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगी। मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई, अगर बात करें कंपेयरिंग टू ओल्ड वन, तो इसमें जो है वो एक, मतलब ये जो बाइक है ये 250 cc की है। तो अगर हम बात करें तो जो R15 है, तो अगर वो 150 cc की बाइक है और उसमें 6 ट्रांसमिशन अगर कंपनी आपको दे रहा है, तो ये जो है बाइक FZ50 जो 250 cc का बाइक है, तो इसमें आपको अभी भी जो है वो 5 ट्रांसमिशन ही देखने को मिल जाएगा, 6 ट्रांसमिशन आपको जो है वो इस बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें टॉप स्पीड की, इस बाइक से आप हाईवे पे जो है वो 130 के अप्रोक्स में इजीली क्रूज कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है आपको ब्रेक लीवर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको फुट पेग, तो फुट पेग
ये जो नीचे का डिज़ाइन है ये कहीं ना कहीं आपको R15 की याद ज़रूर दिलाएगा, R15 V4। यहाँ पे आपको पिलियन के लिए फुटपेक देखने को मिल जाएगा जो कि फोल्ड होगा। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना दूंगा। यहाँ पे आपको इंजन काउल देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही शार्प डिज़ाइन में दिया हुआ है। कुछ ऐसी डिज़ाइन में आपको जो है वो एग्जॉस्ट देखने को मिल जाएगा, और जो एग्जॉस्ट मुझे मतलब मैंने इससे पहले इस बाइक का एग्जॉस्ट इतनी बारीकी से नहीं देखा था, तो बहुत ही मतलब ऐसा यूनिक लगता है, जो सुपर बाइक होती है उनके टाइप जैसा लगता है। और R15 का एग्जॉस्ट इसके सामने कुछ भी नहीं है, आप पीछे से चेकआउट करो, कुछ ऐसा रोबोटिक डिज़ाइन मुझे लगता है। मुझे अभी इसका डिटेल में नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे जो लगा मैंने आपसे वो कह दी। तो अभी बात करते हैं रियर की, तो बात करें अगर रियर की तो रियर सस्पेंशन की, तो रियर सस्पेंशन में जो है वो आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस देखने को मिल जाएगा। मोनोक्रॉस सस्पेंशन आपको रियर में देखने को मिल जाएगा जो कि 7-स्टेप एडजस्टेबल ऐसा होगा। अगर बात करें रियर टायर की, तो रियर टायर में आपको MRF का टायर, मतलब दोनों टायर आपको MRF के देखने को मिल जाएंगे। और रियर का टायर जो है वो 140x70 सेक्शन का आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये भी 17 इंच का ही ट्यूबलेस अलॉय व्हील देखने को आपको मिल जाएगा। अगर बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो यहाँ पर जो है आपको 220mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा विथ ABS। पहले ही मैंने आपको कहा कि ये बाइक जो है वो ड्यूअल चैनल ABS में आएगी। अगर बात करें ब्रेकिंग कैपिलरीज की, तो आपको जो फ्रंट में है वो आपको ड्यूअल पिस्टन कैपिलरी देखने को मिल जाएगी, और रियर में आपको सिंगल पिस्टन कैपिलरी देखने को मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं रियर की, तो रियर के डिज़ाइन में भी कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुआ है। टेल सेक्शन में आपको मैं इग्निशन ऑन करने के बाद भी जो ऑल लुक्स जो आते हैं वो आपको दिखा दूंगा। तो टेल से कुछ ऐसा लुक आएगा बाइक का। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट के लिए जो है वो हेलोजन मिलेगा या LED, यहाँ पर जो है वो आपको LED देखने को मिल जाएगा नंबर प्लेट के लिए। यहाँ पे हेलोजन में आपको इंडिकेटर, यहाँ पे दोनों साइड में जो है वो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रेड कलर में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टायर हगर, तो कुछ साइड से ऐसा लुक आएगा बाइक का। और मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन दूँ तो एक तो यमाहा का इंजन है, दूसरा तो नेकेड बाइक है, और सिर्फ एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगी यार, मतलब 5 ट्रांसमिशन कुछ सेंस नहीं बनता यार। बात तो सही है। तो अगर बात करें सेकेंड साइड की, तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड दिया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर प्लेन के लिए फुट पैग, यहाँ पर सीट ओपन करने के लिए यहाँ पर इग्निशन दिया हुआ है। और बात करें इसकी चेन सिस्टम की, तो ओपन चेन सिस्टम है। आपको 400 से 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है वो चेन को मेंटेन करना पड़ेगा, चेन को क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको क्विक शिफ्टर भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसमिशन है 1 डाउन और 4 अप, ऐसा 5 मैनुअल ट्रांसमिशन। बात करें गाइस, अभी आपको ठीक से दिखेगा या नहीं पता नहीं, क्योंकि जो सीट है उस पर कवर लगा हुआ है। यहाँ पे आपको पिलियन के लिए हैंड गार्ड देखने को मिल जाएगा। कुशनिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी अच्छी है यार। और यहाँ पे थोड़ा बम्प है, जिससे कि अगर राइडर ब्रेक मारेगा तो पिलियन का जो प्रेशर है वो उसके तरफ पूरा जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी जो है आपको यमाहा की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। टेल का मतलब पीछे से कुछ ऐसा लुक आएगा अगर ऊपर से देखे तो। यहाँ पे कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, राइडर के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, और पिलियन के लिए भी ठीक ठाक स्पेस है, ऐसा कुछ कम वगैरह नहीं है। FZ25 में 14 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि अभी जो सब बाइक्स है वो फ्यूल इंजेक्शन उन बाइकों में आता है, और बेसिक्स होने की वजह से आपको
हर बाइक में उसके रिलेटेड जो है वो फ्यूल रखना ही पड़ता है रिजर्व में। अगर बात करें FZ 225 की, तो यहाँ पर जो है वो आपको 2.8 लीटर के अप्रॉक्स में रिजर्व में रखना ही पड़ेगा फ्यूल इसमें। तो अभी बात करते हैं हैंडल बार की, तो हैंडल बार बहुत ही यूनिक है, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो थोड़ा सा मुझे लगा कुछ एडवांस दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पास लाइट दिया हुआ है या इधर के साइड में, यहाँ पे जो थोड़ा सा ब्लैक इफेक्ट आ रहा है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो पास लाइट देखने को मिल जाए, यहाँ पर जो है वो पास लाइट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हाई बीम लो बीम, यहाँ पे हाई बीम लो बीम आपको देखने को मिल जाएगा। या इधर की बात रही तो यहाँ पर जो है वो आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे हॉर्न देखने को मिल जाएगा, और इस साइड में वही जो इंजन किल स्विच है वो देखने को मिल जाएगा, और ये इंजन स्टार्ट बटन। अगर बात करें मिरर की क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी है। तो अभी बात करते हैं मीटर कंसोल की, तो चावी तो नहीं है, चावी लेते हैं फिर मिलते हैं मीटर कंसोल के रिलेटेड बात करें। सो गाइस की जो है वो थोड़ी देर में हमें मिल जाएगी। अगर तब तक बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशन और कब वेट की, तो कब वेट की बात करें तो ये बाइक जो है वो 154 केजी के अप्रॉक्स में है। देख लीजिए आपको मनोर होगी या नहीं। तो बात करते हैं बाइक के डायमेंशंस की, तो ओवरऑल जो है वो बाइक की लेंथ की अगर बात करें तो 2015 mm के अप्रॉक्स में है। बाइक की विड्थ की बात करें तो 820 mm के अप्रॉक्स में। और ओवरऑल जो है वो बाइक के हाइट की बात करें तो वो है 1105 mm के अप्रॉक्स में। मतलब आप अगर आप देखिए, ये एक नेकेड बाइक है तो इसका सीट भी थोड़ा सा नीचे ही है। सीट हाइट की भी बात करेंगे तो अभी हमने बात की बाइक की हाइट की 1105 mm। अगर बाइक का जो व्हील बेस है अगर उसके बारे में बात करें तो 1360 mm का व्हील बेस है बाइक का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm के अप्रॉक्स में है। और बात करें अगर सीट हाइट की तो जो है वो 795 mm के अप्रॉक्स में, जिससे कि आप अगर पाँच पाँच हो या पाँच चार भी हो तो भी आप इस बाइक को इजीली मनोवर कर पाओगे। सिर्फ आपको वेट का ध्यान रखना है क्योंकि ये बाइक जो है वो 154 केजी की है, तो आपसे मनोवर होगी या नहीं आप देख लीजिए। बाकी हाइट तो मतलब 5 feet 3 inch वाला बंदा भी चला लेगा इसको। सो गाइज जो की है वो मिल चुके हैं इस बाइक की, और यमहा की जो है वो सिग्नेचर की हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यमहा की बाइकों में ऐसी की आपको देखने को मिल जाती है जिसमें कि आपको एक कॉम्पैक्ट सी की है और दोनों ही साइड में यमहा का लोगो। तो अभी बात करेंगे बाइक के ऑल लाइटिंग सेटअप की, मीटर कंसोल की, और एग्जॉस्ट नोट और हॉर्न की। तो अगर मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वो न्यूट्रल देखने को मिल जाएगा, इंजन चेक लाइट, यहाँ पे आरपीएम मीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको ट्रिप देखने को मिल जाएगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ देखने को मिल जाएगा, अभी एफ पर है। यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे हाई बीम लो बीम, यहाँ पे आपका ABS चालू है यानी ये आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको फ्यूल की जो इकोनॉमी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फिर से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यही कुछ आपको यमहा FZ 225 के मीटर कंसोल में देखने को मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं इसके लाइटिंग सेटअप की, तो चेकआउट यहाँ पे आपको जो है वो DRL देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हेलोजन में जो है वो इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। और बात करें अब अगर टेल सेक्शन की, तो यहाँ पर जो है वो आपको LED में टेल लाइट देखने को मिल जाएगा और इंडिकेटर हेलोजन में। अगर बात करें तो मैंने पहले आपको कहा था कि इसमें आपको बल्ब देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑन करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर बल्ब नहीं, नंबर प्लेट के लिए जो लाइट है वो बल्ब में नहीं, वो नहीं मतलब मैंने पहले आपको LED में कहा था, ये बल्ब में है, सॉरी। शाबाश बेटा,
थोड़ी सी गलती मेरी ओर से, तो हेडलाइट भी जो है वो दिखाऊंगा। तो अभी बात करते गाड़ी का हॉर्न कैसा है। तो एक प्रिटी गुड, यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाएगा बाइक के साथ, जो कि मतलब डिसेंट है, ज़्यादा लाउड नहीं है, ज़्यादा कम नहीं है। तो इससे पहले जो है वो हमने बहुत ही तारीफ की थी एग्जॉस्ट नोट के डिज़ाइन की, लेकिन अब बात करने वाले कि एग्जॉस्ट नोट का जो साउंड है वो कैसा है। तो अभी बाइक जो है वो न्यूट्रल में है, इंजन किल स्विच ऑन एंड तो चेकआउट, बेस चेकआउट। तो गाइस इसमें फ्यूल कम होने की वजह से, बाइक में फ्यूल कम होने की वजह से जो है वो बंद हो रही है तुरंत। तो भी एक बार थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट करके देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो साउंड सुनाई दिया है। सो गाइस बाइक में फ्यूल ना होने की वजह से अभी तो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इसका कुछ नहीं, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प है यहाँ पर, आपको एक डिसेंट सा जो है वो सफिशियंट आपको लाइट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अभी बात करेंगे पहला जो मॉडल था और अभी का जो मॉडल है उसमें चेंजेस क्या हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो दोनों ब्रेक्स है उसके जो मतलब कुछ हद से साइज़ इंक्रीज़ हो चुके हैं, कुछ एमएम से साइज़ जो है वो दोनों ही डिस्क ब्रेक की इंक्रीज़ हो चुकी है। और बात करें हमारे जो आगे का हेडलाइट है, सामने वाला जो हेडलाइट है एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वो पहले से ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। बात करें यहाँ पे एक शार्प डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें टेल सेक्शन में भी, जो आपको जो टेल का जो पोर्शन है उसका एक थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है, यहाँ पे आपको शार्क फिनिश देखने को मिल जाएगी। और कुछ प्राइस में भी एक 3 से 4 हज़ार के अप्रॉक्स में मतलब ऐड हुआ है, और बाकी कुछ नहीं, बाकी जो बाइक है वो सेम ही है। सो गाइज स्पेशल थैंक्स टू सोहम यमहा, जिन्होंने हमें रिव्यू के लिए यमहा एफजी 25 प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर जो है वो यमहा के ऑल प्रोडक्ट्स है, आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हो। शोरूम के डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, लोकेशन और कॉन्टैक्ट वगैरह, तो आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हो। तो आज हमने देखा कि कंपेयरिंग टू ओल्ड वन यमहा एफजेड 25 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और उसका एक डिटेल रिव्यू देखा, प्राइस वगैरह। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, इफ यू एंजॉय दिस वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइट हार्ड राइट सेफ।